पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हो जाने को लेकर छात्र अपने भविष्य को लेकर काफी परेशान हैं। इसी वजह से सैकड़ों छात्रों ने जमा होकर अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि इस परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई जाए। अरे भाई भाई पीछे मोबाइल हटाओ अपना। मेरा नाम वसीम खान है और ये प्रदर्शन हमने एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन निकाला है। सेंटर पॉइंट से हमारा मार्च शुरू हुआ है और ये कलेक्ट्रेट तक हमारा मार्च खत्म हुआ है। यहाँ पर हमारी मांग ये है कि सर ये पेपर में धांधली हुई है और ये धांधली बड़े लेवल पे हुई है सर। ये पेपर सुबह 3 बजे ही लीक हो चुका था और ये पेपर टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है और उसके सबूत हमारे पास हैं भी है। पेपर 2:30 बजे शुरू हुआ है और 3 बजे सुबह में टेलीग्राम पर पेपर पड़ा हुआ है। सर ये पेपर वायरल हुआ है, सबके हाथ में ये पेपर पहुंच ही गया है। जिन बच्चों ने इससे पहली वाली पाली में पेपर दिया है, सुबह वाली पाली में दिया है या 17 तारीख को पेपर दिया है, उन बच्चों का तो कितने नंबर करके आएंगे? 100। ईमानदारी से कोई बच्चा 150 में से कितने सही कर सकता है? 100 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन, क्या सर कोई पढ़ने वाला बच्चा 150 में से 150 क्वेश्चन सही कर सकता है? कभी पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है सर। जिनके हाथ में पेपर लगा होगा उन्होंने 150 में से 150 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही किए होंगे। मेरी प्रशासन से, मेरी CM योगी आदित्यनाथ जी से यही डिमांड है कि इसको पेपर को रद्द किया जाए तत्काल, और रद्द करके एक नई डेट इसकी दी जाए और पुनः परीक्षा को सुचारू रूप से और पारदर्शिता रूप से संचालित कराया जाए। उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस परीक्षा में जो हुई धांधली है, जो पेपर लीक हुआ है, उसके लिए जो पेपर री कराना है, री एग्ज़ाम, उसके पुख्ता सबूत हैं हमारे पास कि पेपर प्रॉपर लीक हुआ है। शाम की मीटिंग का पेपर सुबह है और सुबह की मीटिंग का पेपर रात में ही है। अच्छा। तो उसके समक्ष इन बच्चों के साथ हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया में जो पेपर लीक हुआ है इसको कैंसिल करा के इस पेपर को दोबारा से कराया जाए। पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में कतिपय विद्यार्थियों द्वारा ज्ञापन दिया गया जिसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा।